अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज कुछ अलग मौजू पर तबसरा करते हैं। मुस्लिम समाज मुस्लिम माशरे पर बारहा तबसरा होता रहा है और ये भी सच है कि शायद इस माशरे ने कसम खा रखी है कि हम अपने आप में तब्दीली नहीं लाएंगे। खैर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर आज तबसरा करेंगे और काफ़ी लोगों ने इस पर अपनी राय भी पेश करते हुए असातिज़ाओं पर, जो बच्चे स्कूल को जाते हैं छोटे बच्चे, असातिज़ाओं पर बच्चों से सख्ती से न पेश आने की बात कही है। खैर, स्कूल कॉलेजेस का गिरता मियार और बच्चों में पढ़ाई को लेकर बेजारी भी अक्सर देखी जाती है। किसी तरह अपने बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। बहरहाल, बिहार की यह वारदात काफी चर्चा में है। महज 5 साल के बच्चे को अमरकांत कुमार नामी ट्यूशन टीचर ने इतना बेरहमी से पीटा के बच्चे को अस्पताल में फिर दाखिल भी किया गया। किसी ने इत्तेफाक से इसका वीडियो बना दिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे वीडियो वायरल हुआ, लोग जमा हुए और अमरकांत कुमार को पहले आवाम ने पीटा और फिर पुलिस ने भी इस टीचर को ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं कि बच्चा घर में कम और असातिज़ाओं के पास ज्यादा रहता है। टीचर के पेशे को कालिक पहुंचने वाली वारदातें भी अब अक्सर देखी जा रही और अक्सर इस पर तबसरा नहीं किया जाता बल्कि बच्चों की ही खामियां इनकी बुराइयां पेश की जाती हैं। पढ़ा लिखा कर नवाब बनाने की ख्वाहिश वालिदैन को अंधा बना देती है। वीडियो में देखिए एक और टीचर कैसे मासूम बच्चे को लात से मार रही है। वीडियो पुराना है पर सच्चाई यही है कि इस तरह की वारदातें रोजाना माशरे में होती रहती है। एक हाथ कोई मामला मंजर आम पर आ जाता है, ऐसे कई हादसे हो जाते हैं जहां स्कूल कॉलेजेस के टीचर लड़कियों के साथ बदसलूकी करते हुए पकड़ जाते हैं। डर के मारे या बेइज्जती की वजह से कई मामले दब जाते हैं। अब तो माशरे में ऐसे हैवान सिफत लोग पाए जाते हैं जिन्हें आसिफा जैसी छोटी लड़की पर भी रहम नहीं आता। 3-4 साल की लड़की से 70 साल की बूढ़ी तक इस माशरे में महफूज नहीं है। इसका एक और पहलू है जिस पर भी तस्करा जरूरी है। स्कूलों में बहुत ज्यादा सख्ती की जाती है, कभी ड्राइंग कभी फला प्रोजेक्ट। कुछ जिम्मेदारियां स्कूल कॉलेजेस के असातिज़ाओं को भी लेनी होंगी। बड़ी बड़ी तनख्वाहें तो लेती हैं, तो कुछ एहसास इस माशरे में पढ़ने वाले बच्चों के ताल्लुकात से भी हो और खासकर नर्सरी या फिर 7वीं क्लास तक के बच्चों के बारे में भी। अभी एक पोस्ट पढ़ रहा था तो इस मौजू पर बोलना जरूरी समझा। एक 8-10 साल की मासूम सी गरीब लड़की बुक स्टोर पर चढ़ती है, एक पेंसिल और एक 10 रुपए वाली कॉपी खरीदती है और फिर वही खड़ी होकर कहती है, अंकल एक काम कहूँ करोगे? तो वो दुकानदार बोलता है, जी बेटा बोलो क्या काम है? अंकल वह कलर पेंसिल का पैकेट कितने का है, मुझे चाहिए। ड्राइंग टीचर बहुत मारती है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ना ही अम्मी अब्बू के पास है, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके पैसे दे दूंगी। शॉपकीपर की आंखें नम होती है, आंखों से आंसू जारी होते, बोलता है, बेटा कोई बात नहीं, ये कलर पेंसिल का पैकेट ले जाओ, लेकिन आइंदा किसी भी दुकानदार से इस तरह की कोई चीज मत मांगना, लोग बहुत बुरे हैं, किसी पर भरोसा मत किया करो। जी अंकल बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके पैसे जल्द दे दूंगी, और बच्ची वहां से चली जाती है। इधर शॉपकीपर यह सोच रहा होता है कि अल्लाह ना करे अगर ऐसी बच्चियां किसी वैश्य दुकानदार के हत्थे चढ़ गई तो आसिफा का हाल बनने में देरी नहीं होगी। याद है आपको आसिफा का हाल हमने देखा है कि क्या हुआ था। टीचर से यह गुजारिश है, खुदारा अगर बच्चे कोई कॉपी पेंसिल कलर पेंसिल वगैरह नहीं ला पाते तो जानने की कोशिश करें कि कहीं उसके गुर्बत उसके आड़ तो नहीं आ रही, और हो सके तो ऐसे मासूम बच्चों की तालीम के अखराजात आप टीचर हजरात मिलकर उठा लिया करें। यकीन जानिए, हजारों लाखों की तनख्वाह में से चंद 100 रुपये किसी की जिंदगी ना सिर्फ बचा सकती है बल्कि संवार भी सकती है। गरीबी गुर्बत इंसान को दीमक की तरह अंदर से खोखला बना देती है, और जब हजारों की तनख्वाह टीचर्स हर महीना हासिल कर लेती हैं तो क्या इनकी कुछ जिम्मेदारियां ऐसे बच्चों के बारे में नहीं है? लेकिन ये कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि बेलगाम शहर में भी एक होता है कि कई टीचर्स कुछ सामाजिक खिदमात में कुछ रुपया खर्च करने में आगे पीछे हो जाते हैं। बेलगाम शहर में भी एक अखबार खरीदने के लिए कहा जाए तो उर्दू टीचरों पर कयामत गुजरती है, जबकि उर्दू के नाम पर ही इनका गुजारा चलता रहता है। सिर्फ उर्दू की बात नहीं कर रहा हूँ, उमूमन ये बात देखी जाती है कि असातिज़ाओं को आगे बढ़कर गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए। माशरे के लिए कुछ रुपए खर्च करने की तौफीक अक्सर असातिज़ाओं को नहीं होती। बात कुछ कड़वी जरूर है पर सच्चाई है। क्या किसी टीचर को आपने हर साल किसी बच्चे की फीस अदा करते हुए देखा है? हो सकता है एक दो, लेकिन अक्सर आप नहीं देख पाते। अब तो कुछ स्कूलों में पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो दूसरी स्कूल को चलो जाओ की बात कौमी और मिल्लत के फला बहबूदी के नाम पर शुरू करदा तालीम के इदारों में देखा जाता है। बल्कि इन्होंने तालीम का इदारा नहीं बल्कि तालीम का कारोबार चलाया। बेलगाम में भी कई स्कूल कॉलेजेस में 10वीं या कॉलेज की लड़कियों के साथ बदसलूकी करते हुए कई असातिज़ाओं को पकड़े जाने की वारदातें पेश आई है। तालीम के पाकीज़ा शोबे को दागदार कुछ असातिज़ा करते हुए देखे जाते हैं।
कुछ ऐसी जगहों पर भी गलत कामों को अंजाम दिया जाता है जहां दीन इल्म सिखाने के भी दावे किए जाते हैं। कुल मिलाकर तालीम के मैदान में बढ़ती हुरियानियत बहुत कुछ पैगाम देती है। ज़रूरत है माशरे को और ख़ासकर वालिदैन को अपनी मसरूफियत में से कुछ वक्त निकाल कर मासूम बच्चों की तरफ तवज्जो दे जहाँ तालीम हासिल करने के लिए सुबह से शाम तक भेज दिए जाते हैं। अब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम इत्मीनान कर सके कि यहां 100% लड़का या लड़की महफूज है। यकीनन कहीं तो भरोसा करना चाहिए, लेकिन वालिदैन को चौकन्ना भी रहना होगा। अपने बच्चों की ज़हनियत, बच्चों के चेहरे पढ़ने की कोशिश करें। खासकर माँ बाप जो दोनों वालिदैन नौकरी के बहाने बच्चे किसी और को सौंपते हैं, ज़्यादा फिक्रमंद रहे। वही दूसरी ओर तगड़ी तनख्वाह लेने वाले असातिज़ा भी गरीब बच्चों की फीस अदा करने की कोशिश करें। स्कूल इंतजामिया को भी चाहिए कि स्कूल टीचर जो बेरहमी से पीटते हैं इन पर ध्यान दें। साथ में स्कूल इंतजामिया को भी गरीब और जरूरतमंद बच्चों की फीस और दिगर अखराजात जो वालिदैन नहीं उठा सकते कोशिश करें कि स्कूल की तरफ से अदा करें। लिहाजा तालीम के पाकीज़ा शोबे को दागदार करते असातिज़ाओं पर कार्रवाई हो और सख्त सजा की भी मांग माशरे की जानिब से होनी चाहिए। यही आज का पैगाम है। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।